हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वीकेंड क्लास। और आज हम लोग बात करेंगे द इंडियन मानसून के बारे में, जो कि क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट का एक हिस्सा है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज इंडिया एज अ नेशन, बिकॉज मानसून इज टिपिकल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसको जो है समझना एक ज्योग्राफी या एक सोशल साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंडियन मानसून। नाउ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। अभी मानसून विंड्स क्या होती हैं? द सेलर्स हु वर द फर्स्ट टू नोटिस द फिनोमेना ऑफ द मानसून, खासकर जो ये अरब आए थे, चूंकि ये पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर आए थे, दे फर्स्ट नोटिस द रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। जब एक पर्टिकुलर ये जो ड्यूरेशन होता था जिसमें ये जो विंड सिस्टम था इसका सीजनल रिवर्सल हो जाता था, दे नोटिस द रिवर्सल, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मानसून, एंड दे बेनिफिटेड फ्रॉम दिस रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम। सो इट वॉज लाइक दैट दे वर एट द मर्सी ऑफ दिस विंड सिस्टम। उन्होंने ही इस सीजनल रिवर्सल को टर्म दिस रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन एज मानसून। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द इंडियन मानसून विच विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मानसून का जो एक्सपीरियंस है, मानसून क्लाइमेट का जो एक्सपीरियंस है, ये दीज आर एक्सपीरियंस्ड विद इन द ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज मतलब 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 20 डिग्री साउथ, तो विद इन दिस लैटिट्यूड ओनली द मानसून क्लाइमेट इज देयर, एंड इट इज मोर प्रोनाउंस्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिससे ये हम लोग सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, दीज आर फर्स्ट डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो लैंड और वाटर को एक तरीके से तो गर्म करती नहीं है, तो ये जो डिफरेंशियल हीटिंग होता है लैंड और वाटर का, इट क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया। मतलब हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर होगा, तो लैंड मास पे लो प्रेशर हो जाता है और सी पे फिर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। ये जो है कंपैरिजन में होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। द सेकेंड फैक्टर इज द शिफ्ट ऑफ पोजिशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये इक्वेटर के आसपास से थोड़ा ऊपर रहती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ द समर ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, जहां पे विंड्स जो है एक दूसरे से मिलती हैं, दे क्रिएट अ ट्रफ एंड दे मूव टुवर्ड्स द गैंगेटिक प्लेन्स 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ देयर ओरिजिनल पोजिशन फ्रॉम द इक्वेटर। They are also known as monsoon trough. Now, presence of high pressure area east of Madagascar. And now this is Madagascar. ये Madagascar है, इसके ये जो ठीक east में ये जो area है, this is the presence of high pressure area. यहाँ पे high pressure prevail करता है, and it is approximately about 20 डिग्री साउथ ऑफ, ये जो मेडागास्कर है ये हो गया इक्वेटर, तो इससे जो है 20 डिग्री साउथ ऑफ इंडियन ओशन ये एग्जिस्ट करता है। तो द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ द हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मानसून। तो देखिए कैसे मेडागास्कर का जो इफेक्ट है वो भी इंडियन मानसून पे पड़ रहा है। चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, द टिबेटन प्लेट्यू gets intensely heated during summer. अब जब टिबेटन प्लेट्यू की बात करेंगे
तो इट गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर प्लेटू अबव 9 किलोमीटर अबव सी लेवल. तो ये देखिए यहां पे आपका टिबेटन प्लेटू है. अब ये जो है इट गेट्स इंटेंसली हीटेड जिसकी वजह से स्ट्रांग जो करंट है वो बहती हैं, स्ट्रांग वर्टिकल करंट जैसे यहां पे वर्टिकल करंट बह रही हैं एंड दे फॉर्म लो प्रेशर. चूंकि समर है तो टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर कैसा होगा, लो होगा. सो एंड द प्लेट्यू एट अबव 9 किलोमीटर ऑफ सी लेवल, मतलब जो सी लेवल से 9 किलोमीटर ऊपर पे. नाउ वी कम टू मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. ये पांचवा फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इफेक्ट्स द मॉनसून. मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयस एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकली ईस्ट जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर. तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पे हम लोगों ने कुछ एक टर्म्स का यूज किया है. तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दोस टर्म्स. ITCZ क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. ये एक ब्रॉड ट्रफ है. ट्रफ मतलब एक जीव नुमा आकार. इट इज ए ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स. दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज. यहां पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है जो ऐसे आएगी, और साउथ ईस्ट कैसे है जो ऐसे आएगी. यहां पे आके ये कन्वर्ज हो गई. तो इसके बाद जो दिस कन्वर्जन जोन लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर. अब ये जो जहां पे मिल रही है दैट इज पैरेलल टू इक्वेटर. ये इक्वेटर के आसपास कहीं मिल रहे हैं. तो दैट इज पैरेलल टू इक्वेटर बट इट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन. लेकिन चूंकि ये जो हाई प्रेशर लो प्रेशर है ये इसमें सन का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि जितना टेम्परेचर होगा वो बहुत ज्यादा उसमें योगदान देता है. सो जहां जहां सन की जो दिशा जाएगी उस हिसाब से इसका बहुत बड़ा योगदान होगा. सो द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला. ये जो इंडियन पेनिनसुला है इसके ऊपर जो प्रेजेंस है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. नाउ सेकेंड फेनोमेना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एल नीनो. ये है एल नीनो. एल नीनो इफेक्ट क्या होता है? एल नीनो को जान लेने से आगे वाला जो पार्ट है वो आसान हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज एल नीनो. दिस इज अ नेम गिवन टू अ पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ अ वार्म ओशन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू. पेरू कहाँ है? ये आपका साउथ अमेरिका के ये जो है दिस इज पेरू. ये पेरुवियन कोस्ट पे एक कोल्ड करंट बहती है. पेरुवियन करंट जो कि एक कोल्ड करंट है जिसकी वजह से वहां पे डेजर्ट एरिया पाया जाता है. लेकिन कुछ एक सीजन्स में कुछ एक सालों में ये जो है टेम्पररीली रिप्लेस जाती है किससे? एक वार्म करंट से. तो इसकी वजह से यहां पे इंक्रीज इन री सरफेस टेम्परेचर होता है और यहां पे ट्रेड विंड्स जो है वो वीक हो जाती हैं और इट रिजल्ट्स इन हैवी रेन. एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है. इसका मीनिंग है चाइल्ड एंड रिफर्स टू द बेबी क्राइस्ट बिकॉज दिस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस. सो दिस मच यू शुड नो. बाकी लेट्स कम टू द फिनोमेना ऑफ एल नीनो एंड हाउ डज इट इफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून. नाउ चेंज इन प्रेशर कंडीशंस ओवर द सदर्न ओशन ऑल्सो इफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून. अब सदर्न ओशन के क्या है दिक्कत? नॉर्मली व्हेन देयर इज हाई प्रेशर कंडीशन जो एक नॉर्मल पोजीशन है उसमें जो ट्रॉपिकल ईस्ट साउथ पैसिफिक ओशन है वहां पे कैसा प्रेशर कंडीशन रहता है? हाई प्रेशर रहता है तो लो टेम्परेचर होगा.
जैसा कि हमने आपको बताया था कि टेम्परेचर और प्रेशर में लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इंडियन ओशन जो है दैट इज लो प्रेशर, वहां पे लो प्रेशर पाया जाता है। बट कुछ सालों में होता क्या है कि ये जो प्रेशर सिचुएशन है ये रिवर्स कर जाती है। उसमें क्या हो जाता है कि ये जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है यहाँ पे इंडियन ओशन से भी लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। तो ये जो पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर है, दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज सदर्न ऑसिलेशन या एसओ, इसको एसओ के नाम से जाना जाता है। अब जो एक जानने वाली चीज है कि द डिफरेंस इन, एक ताहिती करके जगह है फिजी के पास, द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती पैसिफिक ओशन में 18 डिग्री 149 मिनट वेस्ट जो है लॉन्गिट्यूड पे स्थित है, और डार्विन ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे वेस्ट कोस्ट पे एकदम जो है इंडियन ओशन पे है 12 डिग्री 30 साउथ 131 डिग्री वेस्ट। तो ये यूज किया जाता है, इसके बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो यूज किया जाता है कि मानसून जो है वो कैसा होगा, एवरेज होगा कि अबव एवरेज होगा। तो ये जो है, तो इसमें क्या है कि अगर प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव है, मतलब अगर ताहिती में जो प्रेशर है वो इससे कम है, डार्विन में जो ऑस्ट्रेलिया की सिटी है वहां से इसका प्रेशर कम है, तो ये समझ लीजिए कि जो मानसून होगा वो बिलो एवरेज होगा और भारत के कोस्ट में लेट में आएगा। तो मतलब लेट में आएगा भी और बारिश भी कम होगी। तो अ फीचर ऑफ सदर्न ऑसिलेशन एंड इज द एल नीनो फेनोमेना इन विच अ वार्म ओशन करंट, जैसा कि हमने आपको बताया था, अ वार्म ओशन करंट दैट फ्लोज पास द पेरुवियन कोस्ट, ये क्या करती है, इज प्लेस्ड इन द कोल्ड पेरुवियन कोल्ड। तो ये क्या कहता है, ये जो पेरुवियन करंट है इसको रिप्लेस कर देता है एक वार्म करंट से 2 से 5 साल के बीच में। वैसे हर चौथे साल जो है इसका सबसे ज्यादा संभावना रहता है, हर चौथे साल जो है ये रिप्लेस हो जाती है मैक्सिमम संभावना में। दिस चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज कनेक्टेड टू एल नीनो। अभी तक सदर्न ऑसिलेशन था, अब इसका ई और एन लेकर के क्या हो जाता है, एनसो। तो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। नाउ वी कम टू द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड इट्स विड्रॉल। ये जो है भारत में कब आता है और इसके जो जाने का तरीका है वो क्या है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। अब जैसे जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो स्टेडी होती हैं, लेकिन जो मॉनसून है वो उसके ठीक उलट होता है, वो स्टेडी नहीं होता है, इट इज पल्सेटिंग इन नेचर। पल्सेटिंग मतलब बहुत ही तेजी से आता है, एंड इट इज अफेक्टेड बाई डिफरेंट एटमोस्फेरिक कंडीशंस एनकाउंटर्ड बाई इट ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज। मतलब यहाँ से चल रहा है तो जितना मतलब उसको मिला यहाँ पे, ये सब देख रहे हैं आप, भारत कहीं यहाँ पे, तो जितनी चीज़ें यहाँ से इसको मिल रही हैं सब जो है इनकाउंटर करके आ रहा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं इफेक्ट करती हैं और धीरे धीरे एक बर्स्ट के रूप में वो इंडिया में आता है। और इस मानसून का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, कितने दिनों का होता है, इट इज़ अबाउट जस्ट 100 से 120 दिनों के बीच में होता है, और उसमें भी ब्रेक्स होते हैं, कुछ दिनों तक बिल्कुल बारिश नहीं होती है। तो ये जो है ड्यूरेशन ऑफ मानसून है 100 से 120 दिन। कब से शुरू होता है, जून से शुरू होता है, और कब तक होता है, मिड सितंबर तक होता है। जब वो अराइव करता है, जैसे देखिए यहां पे, तो देर इज सडन इंक्रीज इन रेनफॉल कंटिन्यूअसली फॉर सम डेज, एकाएक जो है रेनफॉल जो है बहुत तेजी से बढ़ जाती है, दिस इज नोन एज बर्स्ट ऑफ मानसून। मतलब मानसून आया एकदम बिल्कुल बर्स्ट होकर के, स्टडी नहीं है, बस एकाएक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब सदर्न जो पेनेंसुला है इसके टिप पे इसने अटैक किया पहले।
अब यहां से ये दो ब्रांच में एक हो गया, एक गई बे ऑफ बंगाल ब्रांच, एक गई अरेबियन सी वाली ब्रांच। तो अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है ये सबसे पहले कहां पहुंचती है, केरला में पानी बरसाती है, और केरला एक्सपीरियंसेस वेरी हैवी रेन्स। अब 10 दिन के अंदर ये यहां से चलते हुए कहां पहुंच जाती है, यहां मुंबई के आसपास। इसका चलना जो है वो कितना जल्दी है, तो सेकेंड वीक ऑफ जून में ये पहुंच जाती है मुंबई में 10 दिन के अंदर। अब जो है दूसरी जो शाखा है इसकी बे ऑफ बंगाल की, ये कहां पहुंचती है, असम में। ये और तेज पहुंचती है, सीधे यहां पहुंची कब, विद इन वन वीक, मतलब 7 दिन के अंदर ही पहुंच जाती है असम में। अब यहां पे देखिए हिमालय है, यहां से लड़के वापस लौटती है, लॉफ्टी हिमालयस कॉज द मानसून विंड टू डिफ्लेक्ट इट वेस्टवर्ड टूवर्ड्स गंगा प्लेन। अब ये जो है गंगा प्लेन है, यहां से इस ओर लौट जाती है। तो बाई 15th of June, अब यहां से ये तो इधर क्यों चली गई, अब 15 जून तक यहां पे, 10 जून पे बॉम्बे के आसपास है, फिर ये जो गुजरात का काठियावाड़ पेनिनसुला है यहां पे ये 15 जून तक पहुंच जाती है, जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है, और बाकी के सेंट्रल पार्ट्स ऑफ उसमें भी पहुंच जाती है कंट्री में। नाउ ये जो बोथ जो ब्रांचेस हैं ये कब मर्ज होती हैं, ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन बाय 15th of January। ये तो अभी आपको बताया था जैसे कि काठियावाड़ पेनिनसुला में पहुंच जाता है, उसके बाद ये जो दोनों बे ऑफ बंगाल की ब्रांच और जो अरेबियन सिटी अरेबियन किसकी, ये जो यहां की ब्रांच है ये दोनों जो है करीब 15 तारीख के आसपास में कहां पहुंच जाती है, जो गंगा प्लेन के आसपास ये दोनों मिल जाती हैं, ये और ये दोनों मिल जाती हैं। दिल्ली जो है वहां पे जो मानसून है वो थोड़ा देर में पहुंचता है, जून एंड में पहुंचता है। यही हाल वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा और ईस्ट राजस्थान, जैसे जैसे आप देखिए कि आप और वेस्ट में जाएंगे तो मानसून वहां पे देर में पहुंचेगा, तो वहां पे 1st week of July में पहुंचता है। लेकिन मिड जुलाई तक, जुलाई के मध्य तक मानसून जो है अपर रीजन ऑफ कंट्री में पूरी कंट्री को कवर कर लेता है। यहां से शुरू होता है यहां, फिर यहां, फिर ऐसे यहां से शुरू होता है असम गए, फिर यहां से ऐसे ऐसे करते हुए पूरा जो है यहां मिले ये। तो मानसून जो है बहुत भारत के लिए एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह है, इट कैन बी कॉल्ड एज अ वे ऑफ लाइफ। भारत में मानसून सिर्फ और सिर्फ एक फिनोमेना नहीं है, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडियन मानसून। सेकेंड पार्ट में हम लोग इंडियन मानसून को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, जिसमें इसके दो फिनोमेना है, एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू द सेकेंड पार्ट, फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर एपिसोड ऑन इंडियन मानसून। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये आप लोग के हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे वो 9th का CBSE बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो आने वाले कंपटीशन के एग्जाम है, सब में ये बहुत फायदा करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।